हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि श्रिंक टू फिट का ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो पहले समझ लेते हैं श्रिंक टू फिट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी मतलब डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और कुछ टेक्स्ट ऐसा, जैसे कि मैंने यहाँ पे येलो मार्क कर रखा है थोड़ा सा टेक्स्ट, ठीक है, कुछ टेक्स्ट आपका ऐसा है जो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मैटर उसी पेज पे आए, यानी एक पेज पे आए, ठीक है, तो उसके लिए हम श्रिंक टू फिट ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो श्रिंक टू फिट होता कहाँ है, ये आपको नॉर्मली रिबन में नहीं मिलेगा। यहां पर आपको दिख रहा है, मैंने यहां पर ऐड कर रखा है एक्चुअली रिबन में, ठीक है, ये देखिए, इसको बोलते हैं श्रिंक टू फिट। ठीक है, ये देखिए श्रिंक टू फिट, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है अटेम्प्ट टू श्रिंक द डॉक्यूमेंट बाय वन पेज बाय स्लाइटिंग रिड्यूसिंग द साइज एंड स्पेसिंग ऑफ द टेक्स्ट। ये अपने हिसाब से ही मतलब कि जो मतलब टेक्स्ट होते हैं उनकी स्पेसिंग या उनकी साइज वगैरह थोड़ा सा एडजस्ट करके उनको श्रिंक कर देता है, लेकिन ये आपको रिबन में नहीं मिलेगा। ये मिलता कहाँ है, इसको आपको एड करना होता है मतलब मोर कमांड से। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए आपके सिस्टम में यहां पर ही देखिए ड्रॉपडाउन शो हो रहा है, ठीक है, ये रहा ड्रॉपडाउन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो नीचे देखिए यहां पे मोर कमांड का ऑप्शन आपको शो करेगा, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो मोर कमांड का ऑप्शन जब आप शो करेंगे तो पॉपुलर कमांड में भी नहीं मिलेगा, आपको जाना है ऑल कमांड में, ठीक है, यहां से देखिए ऑल कमांड पे क्लिक कर दीजिए। तो जब आप ऑल कमांड पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कमांड आएंगे, और ये अल्फाबेटिकल है तो आपको एस मतलब लेटर तक पहुंचना है। तो हम इसको डाउन मतलब इसको जब नीचे ले जाएंगे तो देखिए कभी सी ई जी चल रहा है, एच चल रहा है, आई चल रहा है, इस तरीके से करते करते हमें एस पे जाना है, ठीक है, एम आ गया, क्यू आर एस आने ही वाला है, बस ये देखिए एस शुरू हो गया। अब यहां पर श्रिंक ढूंढना है हमें, ठीक है, मैं थोड़ा साइज की कम कर देता हूं, यहां पर हमें श्रिंक ढूंढना है। तो इसको यहां से ये जो ड्रॉप डाउन इसको नीचे करते जाइए, ये देखिए एसएच शुरू हो गया, ठीक है, श्रिंक टू फिट करके ऑप्शन आपको यहां पे शो होगा, बस ऐसे नीचे सर्च करना है हमें, ये आ गया, देखिए श्रिंक वन पेज, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, आपको यहां पर ये ऐड बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, जब आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पे आ जाएगा बॉक्स में, ठीक है, उसके बाद यहां से हमें ओके कर देना है, ठीक है, ये देखिए यहां से ओके कर देना है, ठीक है, याद रखिए पहले इस पे जब इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा फिर यहां पे ऐड करिएगा, ये इस बॉक्स में आ जाएगा, उसके बाद यहां से ओके करना है, उसके बाद ये आपके यहां पर रिबन में यहां पर शो करेगा, ठीक है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहां पे शो करना है। बस अब करना कुछ नहीं है, बस कर्सर हमें यहां रखना है और इस ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो येलो मार्क मैंने किया हुआ है वो इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है, बस इस पे क्लिक कर दीजिए और ये देखिए येलो मार्क जो था उस पेज पे आ गया, मतलब जो दो तीन लाइन एक्स्ट्रा जा रही थी उसने एडजस्ट कर दिया इसी पेज पे, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसको बोलते हैं श्रिंक टू फिट। मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं, ये देखिए, ठीक है,